हम मैट्रिक में बढ़िया नंबर लाएंगे ना तो बढ़िया मेहरारू मिलेगा एकदम सब होके हुनर मेहरारू चाहे सुनर बस वही ऐसे बाबूजी के 20 बीघा जमीन है वही जोत के खा लेंगे। अच्छा ये सही तरीका है बताइए। अजीब थोड़ा डिसिप्लिन ही नहीं है आप लोगों में। आप ही लोग से बात करने के लिए आए हैं ना तो थोड़ा शांति बनाए रखें। बोलिए बोलिए बोलिए। आप ही लोग से बात करने आए हैं ना तो ऐसे क्यों अलग देखिए पीछे एग्जाम दे के आ रहे हैं। सब एग्जाम दे के आ रहे हैं। पूरा चश्मा लगाए हुए है चश्मा आगे आ जाइए थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करिएगा। अच्छा चश्मा लगा के एग्जाम दिए थे? नहीं 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 चश्मा दिखाई देखिए चश्मा लगा करके आए हैं एग्जाम देने के लिए। टेंथ क्लास के बच्चे हैं। पेपर कैसा गया? बहुत अच्छा अच्छा गया। पेपर कैसा गया? अच्छा ये सही तरीका है बताइए। लीजिए चश्मा लीजिए। चलिए हटिए तो अजीब थोड़ा डिसिप्लिन ही नहीं है आप लोगों में। देखिए बच्चे इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो पालीगंज के लड़का ने डिसिप्लिन देखिए डिसिप्लिन मेंटेन कीजिएगा ना। डिसिप्लिन मेंटेन कीजिएगा सब लोग। हाँ बोलिए मैम पेपर एग्जाम बहुत अच्छा गया। बहुत बढ़िया गया पेपर। आगे चल के क्या करना है? गायक बनना है। नौकरी करना है। बालू माफिया बनना है। बालू माफिया बहुत रंगदारी चल रहा है। माल पटाएंगे अभी वही काम। हाँ वही करेंगे। टीचर बहुत रंगदारी करता है। रंगदारी करेंगे रंगदारी। टीचर बहुत रंगदारी करता है। हमको हम मैट्रिक में बढ़िया नंबर लाएंगे ना तो बढ़िया मेहरारू मिलेगा एकदम सब होके हुनर मेहरारू चाहे सुनर बस वही है। ऐसे 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 बाबूजी के 20 बीघा जमीन है वही जोत के खा लेंगे। नौकरी करेंगे नौकरी करेंगे सरकारी नौकरी। हाँ जो लग जाए जो लग जाए सरकारी नौकरी होने वाला है मैडम। बोले ना अरवल में सेकंड ब्रांच अच्छा गया लेकिन मास्टर चीटिंग नहीं करने दिए। एक ठोपना लोग चीटिंग के भरोसे गए थे क्या एग्जाम देने? नहीं नहीं, नहीं अपने नहीं, जितना है उतना लिख दिए। अच्छा एक बात बताइए आज लास्ट पेपर है ना आप लोगों का? हाँ हो गया खत्म? खत्म हो गया। कैसा लगा? ठीक बहुत अच्छा। काम कैसा गया? बहुत अच्छा गया। अच्छा एक बात बताइए आप लोग आज संस्कृत का पेपर दे करके आए हैं श्लोक याद है? श्लोक संस्कृत में श्लोक श्लोक पढ़े थे संस्कृत बिना पढ़े लिख ही नहीं पाएंगे ये ऐसा पेपर है। बहुत बढ़िया संस्कृत का पेपर था। हाँ लास्ट पेपर था। हाँ आप लोग थोड़ा शांत बोलिए ना रहने प्लीज शांत। किस कॉलेज के हैं किस स्कूल के हैं? पालीगंज हाई स्कूल। पालीगंज हाई स्कूल। हाँ पालीगंज हाई स्कूल। संस्कृत का लास्ट पेपर था आज। बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छा गया। श्लोक याद है संस्कृत का कोई भी श्लोक? क्या श्लोक? चलिए संस्कृत साल भर में कितना दिन पढ़े होंगे? 365 दिन। 5 दिन मैडम पढ़े होंगे। 4-5 दिन पढ़े होंगे। एक साल में 5 दिन? हाँ मैडम। संस्कृत आप लोग नहीं पढ़ते? नहीं मैडम पढ़ते तो है मैडम लेकिन बोल ही नहीं आता है। बोलने भी नहीं नहीं पढ़ने तो आता है लेकिन थोड़ा मन गड़बड़ा जाते हैं बोलने में। टेंथ क्लास के बच्चे हैं आज लास्ट पेपर है संस्कृत का पेपर है और जितने भी बच्चे हैं जितने भी सारे बच्चे संस्कृत का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं और इतने बच्चों में से कोई भी एक बच्चा जो एक श्लोक सुना दे एक श्लोक संस्कृत में। श्लोक याद है? लेकिन नहीं याद है मैडम लेकिन कलम से कॉपी फाड़ देंगे लिख के इतना तो कॉन्फिडेंस है। श्लोक याद है? श्लोक संस्कृत का कोई श्लोक याद है?
स्कूल के गाना तो याद है लेकिन शुरू होके वाला बा परीक्षा द सके आ फेल कर बैठा का कोरा में क सके और गाना गाते हैं बहुत बहुत पवन सिंह का बहुत बड़ा फैन है ऐसा थोड़ा है ना स्लो क्या है स्लो जरूर क्या बताइए काको चेष्टा वको ध्यान स्वयं निद्रा अल्पाहारी गृह त्यागम स्टूडेंट का लक्षण होता है पांच गो एक 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 यह है और क्या और बहुत सारा है उसमें तर्क वितर करना है तो कर सकते आगे चल के क्या करना कुछ ना कुछ तो करना है ना फिर भी सोचे होंगे ना टेंथ पास हो गए तो डॉक्टर बनेंगे इंजीनियर बनेंगे कुछ ना कुछ पोस्ट पर तो जाएंगे ना